इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मीन्स ये कि वो चार्जेस जो रेस्ट पर हों। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जो रेस्ट पर हों, फिजिक्स की उस ब्रांच को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस किस तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं ये दो तरह के होते हैं, आया कि ये पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, या ये नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये किसी बॉडीज पर कब आते हैं, यानी कि कब हम कह सकते हैं कि कोई जिस्म जो है वो चार्ज हो गया है। अब ये समझने के लिए कि चार्जेस किसी बॉडी पर किस तरह से आते हैं, हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। ये एग्जांपल है कॉम की। कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास कोई एक प्लास्टिक की जो है कॉम है, इसमें जब आप अपने हेयर में रब करते हैं और उसके बाद आप कोई भी पेपर ले लें, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और कॉम को रगड़ने के बाद, मतलब कि अपने हेयर में रब करने के बाद, अगर आप उस पेपर के करीब लाएँ तो आप देखेंगे कि ये पेपर पीसेस जो हैं, पेपर बाइट्स जो हैं, ये इस कॉम के साथ अटैच हो जाते हैं। ये इसके साथ इसलिए अटैच हो जाते हैं क्योंकि जब हम अपनी कॉम को हेयर में रब करते हैं तो उस वक्त ये जो कॉम है ये चार्ज हो जाती है। तो जो चार्ज चीज़ है वो करीबी पड़े दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। मीन्स ये कि कॉम के ऊपर चार्ज आ गया है। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसकी हम बात बाद में करेंगे, लेकिन ये मसला है कि अब इसके ऊपर चार्ज आ गया है। जब भी आप चार्ज शुदा जिस्म को किसी न्यूट्रल पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो वो जो चार्ज बॉडी है उन न्यूट्रल पार्टिकल पे चार्ज इंड्यूस कर देती है, उनके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक ग्लास रॉड है, ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को आप जब यहाँ पे, लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्लोथ है जो कि सिल्क का है, ये आपके पास एक सिल्क का क्लोथ है। जब आप इस रॉड को इस सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करते हैं तो आपकी जो रॉड है ये चार्ज हो जाती है। सिमिलरली अगर आप कोई एक एबोनाइट की रॉड लें और उसे किसी फंड के कपड़े के ऊपर रब करें तो इसी तरह वो भी चार्ज हो जाती है। अब ये बात तो समझ में आती है कि जब जो हमारे पास सॉलिड बॉडीज़ हैं उन्हें अब हम किसी भी चीज़ के साथ रब करें तो वो चार्ज हो जाती हैं, लेकिन समझना ये है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ किस तरीके से चार्ज हो जाती है, किसी भी बॉडी के ऊपर किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये समझने के लिए कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं ये किसी बॉडीज पे किस तरह से आते हैं अगर उन्हें हम रब करें, या उन पे हम कह सकते हैं सिंपली आप यूँ कहें कि अगर आपको ये मालूम करना हो कि किसी बॉडी पे चार्ज किस तरह से आता है तो उसके लिए आपको जो है एटम को कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक एटम है। आपको मालूम है कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंटर जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट होता है जिसके अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजीली मूवमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि वो उन ऑर्बिट के अंदर जो है मूवमेंट शो करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर हीलियम की एग्जांपल ले लेती हूँ। आपको मालूम है कि हीलियम का पीरियोडिक टेबल में थर्ड नंबर है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 7 है। तो 3 एटॉमिक नंबर होने का मतलब ये है कि इसके के शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके एल शेल में 1 होगा, क्योंकि इसके पास तो 3 है। जैसे कि आपको मालूम है कि के में 2 आते हैं, इस तरह से के में 2 होते हैं, एल में हमारे पास 8 आते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक तीसरा ऑर्बिट हो एम, उसमें 18 आते हैं, और हमारे पास अगर एक और ऑर्बिट हो एन तो उसमें 32 आते हैं, और सिमिलरली इस तरह से ये प्रोसीजर चलता चला जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ पहले 2 शेल्स में ही आएंगे। इसके मुताबिक जो है ये यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं हीलियम के पास, तो वो 2 के में दे देता है और बचने वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में दे देता है। लेट्स सपोज कि ये हमारा के ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसके बाद जो है एक और ऑर्बिट जिसे हम एल का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर
इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो रिमेनिंग है। आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो दो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एक जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा जो है वो न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर नील चार्ज होता है। और न्यूक्लियस से बाहर जो मदार हैं, जो हमारे ऑर्बिट हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम जो है एटम को न्यूट्रल पार्टिकल इसलिए कहते हैं कि एटम के अंदर मौजूद एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें मौजूद प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में उतने ही उसके ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद भी उतनी ही होती है जितनी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की होती है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अगर इस हीलियम का एटम कंसीडर कर लिया जाए इसे, तो इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इस सिचुएशन में हमारे पास 3 प्रोटॉन होंगे और 4 न्यूट्रॉन होंगे, और इसके ऑर्बिट में भी हमारे पास 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं ये ऑर्बिट में मौजूद 3 नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल आउट कर देते हैं, या इस तरह से कहना चाहिए कि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब हमारा एटम तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन हम तो बात ये कर रहे थे कि किसी भी बॉडी पर चार्ज आता कैसे है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर हीलियम के एल शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि किसी भी के एल एम और एन का मतलब ये होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के मदार में, यानी कि उसके जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। हीलियम के केस में हमारे पास एल में तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस से थोड़ा फासले पर है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम है। अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लूँ इस चीज़ को, अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लूँ, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाई मैंने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो एक्सटर्नल फोर्स इतनी थी कि वो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से ज़्यादा थी, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से रिमूव हो जाता है। जब आप किसी चीज़ से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एटम के अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस की कमी हो जाती है और पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या जितने भी इलेक्ट्रॉन वो देता चला जाएगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। तो यही वजह है कि हीलियम पर यहाँ +1 चार्ज आ जाता है, क्योंकि हीलियम जो है एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरह से जब किसी एटम के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, मतलब कि निकालते हैं, इजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हम किसी अगर कोई एक ऐसा एटम हो आपके पास जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, यहाँ पर तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था ना, और 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत छोटा है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जाए जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन के जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिटल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो उसके ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। सिमिलरली फ्लोरीन के ऊपर भी जो है वो -1 चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज आ जाता है। इसी तरह जो है ये जो चार्जेस की रेशियो है एटम के इलेक्ट्रॉन देने और लेने के इस्तेमाल पे डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या उसके ऑर्बिट से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। हीलियम के केस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता था, जबकि एलुमिनियम के केस में आपको मालूम है कि एलुमिनियम पर जो चार्ज है वो +3 होता है, मीन्स ये कि एलुमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स में 2 टर्म्स यूज होती हैं, किसी भी बॉडी में अगर आप इलेक्ट्रॉन इन कर रहे हैं तो आप इसे कहेंगे कि इंजेक्शन है, यानी कि इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू एनी बॉडी मेक्स द बॉडी नेगेटिव चार्ज, यानी कि आप किसी भी बॉडी को इंजेक्ट करें, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एंटर करें, तो उसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की जो है वो ज़्यादती हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज उसमें ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
और इसी तरह अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये इंजेक्शन है, और इंजेक्शन जो है किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर देती है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन किया जाता है। जब आप सॉलिड बॉडीज़ को रब करते हैं किसी भी क्लोथ के साथ, अपने हेयर के साथ, या डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट मैकेनिकल वेज हैं इन्हें चार्ज करने के, तो जब आप इन्हें चार्ज करते हैं, इन्हें रब करते हैं या मुख्य तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मालूम है कि सॉलिड बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही एटम नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, और हर एटम जो है वो अपने मुताबिक इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा। तो ओवरऑल जो बॉडी है उसके ऊपर वो चार्ज आ देगा कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडीज़ हैं वो चार्ज हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास अगर एक ग्लास रॉड है, ये हमारे पास ग्लास रॉड थी, जब हम इसे अपने सिल्क के क्लॉथ से, ये सिल्क का क्लॉथ है सपोज कर लीजिए, एक सिल्क का क्लॉथ है, इसे जब आप सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव, जो इसके ऊपर है जो है चार्ज आ जाता है। मीन्स ये कि रब करने के बाद आपकी ये बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो इक्वल चार्जेस होते हैं ना, मीन्स ये कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस कहना चाहिए, इक्वल नहीं, ये लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है इस पूरी की पूरी रॉड पे, और ये भी एक रॉड है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि मैग्नेट के सिमिलर पोल को हमेशा जब एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह का केस होता है कि जब हम लोग सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर हम लोग अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के करीब ले आएँ तो वो एक दूसरे को उसी तरह अट्रैक्ट करते हैं जिस तरह से मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक रॉड के साथ दो जो है वो ग्लास रॉड लगा दूँ जो कि दोनों ही सिल्क के क्लॉथ से रब की हुई हो, तो आप देखेंगे, ये बज़ाहिर आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं, दो आप ग्लास रॉड लीजिए, उन्हें सिल्क के क्लॉथ से रब कीजिए, फिर उन्हें थ्रेड के साथ किसी भी चीज़ से बांध कर देखिए, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे के करीब कभी नहीं आएंगे, इनका जो तो डिस्टेंस है उनके दरमियान का वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह अगर आप एक एबोनाइट की रॉड लें और उस रॉड को आप इस तरह से करें कि उससे एक फन के, इससे आप जो है वो फर के क्लोज से रब करें तो ये भी चार्ज हो जाती है। अब अगर आप ऐसा करें कि आप एक फन के क्लोज से रबती हुई रॉड को और एक सिल्क के क्लॉथ से रखी हुई रॉड को अगर आप लटकाएं इस तरह से थ्रेड के साथ, तो आप देखेंगे कि दोनों डिफरेंटली चार्ज होंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंटली क्लॉथ के ऊपर रखी गई हैं, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इनके दरम्यान का डिस्टेंस जो है कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। मीन्स ये कि हमेशा जब आप सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर आप ऑपोजिट चार्जेस को करीब लाएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जब भी आप बॉडीज को रब करते हैं तो रब करने से आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही, उसके जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, इतनी वीक होती है कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो है, अगर हम थोड़ी सी भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से भी ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट से निकाला जा सकता है। तो हम लोग मोस्टली जो एटम के लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी हम जैसे कि ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड थी या एबोनाइट रॉड थी, जब उन्हें हम लोगों ने क्लॉथ के ऊपर रब किया तो क्लॉथ के अंदर मौजूद जो हैं और डिफरेंट एटम्स हैं वो उन डिफरेंट एटम के अंदर लातदाद फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एटम के पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे उन्हें आप रब करते हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रबिंग की वजह से उन्हें अट्रैक्शन की जो एक्सटर्नल फोर्स मिलती है वो, और वो अपने जो ऑर्बिट हैं उससे निकलना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि वो रॉड के अंदर चले जाते हों या रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लॉथ के अंदर आ जाते हों, जिसकी वजह से जो है हमारी रॉड जो है वो चार्ज हो जाती है। सिमिलरली कॉर्न में भी यही सिचुएशन होती है। तो इस तरह से जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं ये चार्ज उसी वक्त होती हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है या इनसे इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आता है या इनसे निकलता है।
और इलेक्ट्रॉन उसी वक्त दाखिल या निकलता है जब उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की थोड़ी सी कशिश के अंदर होता है उसे थोड़ी सी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दे के रिमूव कर सकते हैं और एटम के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट बॉडीज जो हैं वो चार्ज हो जाती हैं। होप सो आपको समझ आ चुका होगा अब तक कि बॉडीज किस तरीके से चार्ज होती हैं और इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितनी किस्म के हैं और इलेक्ट्रिकल चार्जेस आते कहाँ से हैं।